बाद में बात। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وعليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإن لكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दोबारा सही, एक बार पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस मजलिस में एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए जैसे बच्चे को माँ टीका लगाती है काला ताकि उसको बुरी नज़र न लग जाए। हदीस में तिरतुन का लफ्ज़ आया है कि जिस मजलिस में दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए उस मजलिस वालों को अल्लाह बुरी नज़र से बचा लेता है। पढ़ो जोर से दरूद शरीफ। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माँ, आज हमारे यहाँ
अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 12 बजने के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। ये मैं दुनिया वालों की बात करता हूं। इस्लामी साल शुरू होता है पहली मुहर्रमुल हराम से। हम लोग आज 31 दिसंबर मनाने के लिए नहीं आए, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मौलाना मोहतरम ने, क्या नाम है, मौलाना वसीम मोहम्मद साहब ने बड़ी मेहनत की है। आज के इस जलसे को रौनक देने के लिए तो इसलिए नहीं बुलाया है कि 31 दिसंबर मनाएं, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये ईसाइयों का और गैरों का तरीका, आम गुमराह इंसानों का रास्ता है। हमारा जब पहली मुहर्रम को इस्लामी साल शुरू होता है तो हम कहते हैं कि अपनी जिंदगियों का धारा, अपनी जिंदगियों का धारा पहली मुहर्रमुल हराम ही से बदल लो। नमाज नहीं पढ़ते थे तो पढ़ने वाले बन जाओ पहली मुहर्रम से। दाढ़ी नहीं रखते थे तो दाढ़ी रखने वाले बन जाओ। माँ बहनें पर्दा नहीं करती तो पर्दा करने वाली बन जाओ। रोज़ा नहीं रखते थे तो नीयत कर लो कि 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे और रमज़ान का रोज़ा जो फ़र्ज है वो भी रखेंगे। ज़कात सदक़ात और खैरात नहीं निकालते थे तो पहली मुहर्रम से उसकी नीयत कर लो कि निकालने वाले बन जाएंगे। हज और उमरा, हज फर्ज हो गया है, अभी तक नहीं किया है तो नीयत कर लो कि इसी साल अदा करेंगे। बंदों के हुकूक अदा नहीं करते तो पहली मुहर्रम से नीयत कर लो कि भाई हम इसी पहली मुहर्रम से बंदों के हुकूक अदा करने वाले बन जाएंगे। ये हम पैगाम देते हैं पहली मुहर्रमुल हराम से। हलाल रोजी नहीं खाते, किसी गैंगस्टर पार्टी के साथ मिले हैं, लोगों को कत्लो खून करते हैं, क्राइम करते हैं, मारपीट करते हैं, सोपारियां फोड़ते हैं, तो हम कहते हैं तौबा कर लो, ये चीजें हमारा रास्ता नहीं, हम मुसलमान हैं। ये इस्लामी साल है। उस वक्त हम कहते हैं कि जिसकी शुरुआत अच्छी उसका एंडिंग अच्छा, उसका अंजाम अच्छा, और जिसकी शुरुआत बेकार उसका अंजाम भी बेकार। मदरसे में, स्कूल में आपका पहला धोरण, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड मजबूत होगा तो आपकी उम्र की माँ ऊपर की इमारत मजबूत होगी। मगर आपका एबीसीडी कच्चा है, क ख ग कच्चा है तो आपकी ऊपर की इमारत कमजोर ही रहेगी, क्योंकि शुरुआत आपका अच्छा नहीं। बिल्डिंग बनाए आप, पहली ही टेढ़ी रखी सुरैया तक ले जाओ, टेढ़ी रहेगी क्योंकि बुनियाद टेढ़ी है, और बुनियाद मजबूत होगी तो फिर अंजाम ऊपर तक ले जाओ, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। यही हाल क्रिकेट के मैदान में भी है। क्रिकेट के मैदान में भी ओपनिंग बैट्समैन उन्हीं लोगों को उतारा जाता है जो देर तक खड़े रह सकते हो, जिसकी शुरुआत अच्छी। जिसकी शुरुआत अच्छी ना हो, अगर वो पहले ही चले गए तो समझ लीजिए कि 11 के 11 पहले जो है प्लेयर पेवेलियन पर जल्दी रवाना हो जाए। कोई भी मैदान में ले लो आप, जिसकी शुरुआत अच्छी होगी उसका अंजाम अच्छा होगा। हमारी पहली जनवरी से हमारी शुरुआत खराब तो 31 दिसंबर भी हमारा शराब में, जुआ में, जीनाकारियों में, नंगी औरतों के साथ नाच गान में,
पूरी पूरी रात हमारा आखिर अंजाम यही होता है, इसलिए कि पहली जानवरी हमारी शुरुआत बेकार गई। अर्ज करने का मंशा यह है कि हम 31 दिसंबर पर जो खुराफात होते हैं उनका जिक्र करके उनके मिटाने की कोशिश करनी। हम मुसलमान हैं, मुसलमान सफेद कपड़े के मानिन होता है, सफेद कपड़े पर दाग बहुत जल्दी आ जाता है। हमको कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है और सारी इंसानियत को होना है। उनका ईमान नहीं है मगर हमारा ईमान है। पूरी ताकत के साथ बोलो बेशक अल्लाह हम सबको कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने वाला है। बेशक बेशक हमारा ईमान है। इसलिए पहली सीढ़ी की बात मैंने यही की। मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी वो सूरे कहफ के कुछ नौजवान थे जिनका तस्किरा करके मैंने आयत की शुरुआत। ये कहफ किसको कहते हैं? 15वां पारा और 16वें पारे पर फैली हुई ये सूरत है, पौने पारे पर। सूरतुल कहफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमे के दिन इसको पढ़ता है अल्लाह ताला शान उसकी मगफिरत फरमाते हैं और उसके गुनाहों की बड़ी तादाद को खत्म फरमाते हैं। बड़ी फजीलत आई। एक सहाबी रजी अल्लाह ने अपना घोड़ा झाड़ के साथ बांधे हुए थे और सख्त गर्मी मदीने पाक में, सुनो ध्यान से, और सूरह कहफ की तिलावत कर रहे, आसमानों उनकी करामत जाहिर हुई, बादल आया और सख्त गर्मी में उनको उनके जानवर को घेर लिया, करीब आ गया, ठंडक हो गई, जानवर भड़कने लगा। अजीब मंजर देखा कि बादल करीब आ गया और मैंने कुरान खत्म किया उसके बाद वो बादल हट गया। उन्होंने सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा किस्सा सुनाया कि अल्लाह के रसूल में तिलावत कर रहा था, घोड़ा बंधा हुआ था, बादल आया, साया किया, घोड़ा भड़कने लगा, ये सब क्या मामला है? तो आप सरासम ने फरमाया वो तेरी करामत थी जो सूरे कहफ की बरकत से अल्लाह ने नाजिल फरमाई। आज हम जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ने के मोहताज हो गए, कोई खोलकर सूरे कहफ पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अरे नहीं आती हो तो पूरी सूरे कहफ पर वजू करके उंगली भी फिराओ, शायद अल्लाह तुम्हारी सदा को कबूल कर ले। ये सूरे कहफ की एक आयत शरीफा मैंने पढ़ी और मैं उसकी हाईलाइट खुलासा बयान करूं, उसके बाद बात आगे चलाऊंगा। सूरे कहफ में अल्लाह ताला ने किस्सा सुनाया है कि कुछ चंद नौजवान थे जो पिछले नबियों के जमाने में थे। कहफ कहां आया, असहाबे कहफ का किस्सा कहां हुआ था? उम्मान में, उम्मान जॉर्डन के पास, जॉर्डन और इधर जो है पैलेस्टाइन और इधर मक्का शरीफ। आज भी वो कहफ है गार, गुफा है गुफा, कई कई मील तक फैली हुई है जहां इन नौजवानों का वाकया पेश आया था। कहफ वालों, ये चंद नौजवान थे। उस जमाने में एक बादशाह था जो मुशरिक था, ध्यान से सुनो, और वो शिर्क की दावत देता था। एक झाड़ था शहर के बाहर, उसकी पूजा की दावत देता था, सारे लोग जमा होते थे, उसकी इबादत करते थे उस झाड़ की। मगर ये कुछ नौजवान थे जो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते थे। जिस दिन उस झाड़ की पूजा की बात आई, वो नौजवान उस झाड़ की पूजा में इबादत में शरीक नहीं हुए। सारी दुनिया का मेला लगा वहां। बादशाह ने तहकीक की कि वो नौजवान नजर नहीं आ रहे जो चंद नौजवान है। देखा तो नहीं आए थे उस मेले में, क्योंकि उन्हें शिर्क नहीं करना था, वो एक अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। चुनांचे वारंट जारी किया और उनको पकड़ के मंगवाया बादशाह ने। यह किस्सा कुरान पाक में है।
कुरान तो सिर्फ इशारा करता है, उसकी तफसीलात हदीसों में आती है। बादशाह ने कहा कि आज इस झाड़ की इबादत का दिन आप क्यों नहीं आए? कहा हम झाड़ की इबादत नहीं करते, हम एक अल्लाह की इबादत करते। सुनो ध्यान से, सूरे कहफ अल्लाह ने कलाम पाक में क्यों नाजिल फरमाई? उन नौजवानों ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने भरे पब्लिक में उनके कपड़े उतार लिए और नंगा करके कहा जाओ घर, 3 दिन का मेला लगने वाला है, 3 दिन में आकर तौबा कर लो, इस झाड़ की इबादत कर लो। उन नौजवानों ने कुर्बो जवार में जो झाड़ थे उसके पत्ते लिए और कांटों से उस पत्ते को जोड़ा और अपना सतर छुपाया आगे पीछे और जल्दी से घर दौड़े और घर गए, जो कपड़े उनके पास थे वो पहने और दूसरे थे वो भी लिए और उस जमाने में जो सोने चांदी के दिरहम दिनार थे वो लेकर जंगलों में निकल गए। जॉर्डन और इराक के बीच में आज भी ये गुफा है, गार, जिसको कहफ कहा जाता है। अपना खाना पीना जो कुछ था लेकर निकल गए। बादशाह ने दूसरे दिन वारंट जारी किया, घर पर नहीं मिले, जंगल में वाना किया, बहुत ढूंढा, तीसरे दिन भी ढूंढा मगर ये नौजवान नहीं मिले, मेला भी खत्म हो गया। ये नौजवान उस गुफा में छुप गए और छुपने के बाद ऐसे छुपे कि वो कई कई मीलों दूर तक अंदर फैली हुई है, किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। अल्लाह के नेक बंदे, रोजाना जब ये नौजवान अंदर नहीं गए थे तो रोजाना गार में सूरज अपनी किरणें फेंकता था, मगर उनकी करामत देखो, वो अल्लाह को कितने प्यारे होंगे कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इस जालिम बादशाह से बचने के लिए सो जाओ अंदर, मगर अल्लाह ने उन्हें बताया नहीं कि मैं आपको कितनी सदी तक सुलाने वाला हूं। 300 से ज्यादा बरस सुलाया अल्लाह ने। जरा मजमे से मैं जवाब सुनना चाहता हूं ताकि सबक याद हो, पीछे आगे दाएं बाएं सब जोर से बोलो, कितने से ज्यादा बरस? 300 से ज्यादा बरस सुला दिया अल्लाह। उस बादशाह ने कत्ल का ऐलान किया था कि 3 दिन में नहीं आए तो कत्ल कर देंगे। तो ये अपनी जान बचाने और इस्लाम फैलाने की नीयत से गार में छुप गए और ऐसे भागे ऐसे छुपे कि बादशाह के हाथ में नहीं आए, मेला भी खत्म हो गया। मगर ये कहानी बहुत मशहूर हो गई लोगों में कि वो नौजवान थे, कहीं भाग गए फिर हाथ में नहीं आए। कुरान पाक उनकी करामत जाहिर करता है कि रोजाना सुबह जब निकलता था और जवान अंदर नहीं थे तो सूरज किरण अंदर फेंकता था, रोशनी फैलाता था, मगर जब से इन नौजवानों ने आराम करना शुरू किया अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, खबरदार इधर तुम्हारे आना भी नहीं है, तुम्हारे उधर से टन लेकर बाहर से निकल जाना है, मेरे बंदों की नींद खराब ना होने पाए इसलिए सूरज की किरणें अंदर गिर न पाए इसका ख्याल रखना। सूरज को हुक्म दिया, हत्ता इदा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम, कुरान कह रहा टन लेकर निकलता। जैसे हजरत यूशा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे, यूशा, एक तो है मूसा, ये नया नाम है, बेटा पैदा हो तो नाम रखो मोहम्मद, यूशा ऐन के साथ, ये अल्लाह के रास्ते में निकले थे और असर की नमाज जाने का खतरा था तो अल्लाह से कहा ए अल्लाह सूरज छुपने की तैयारी कर रहा है, वुजू करने जाएंगे तो सूरज छुप जाएगा, हम तो तेरे दीन के लिए निकले हैं, तो इस सूरज को रोक ले, हम वुजू कर ले और असर की नमाज पढ़ ले। चुनांचे हदीस में आया है, बुखारी की हदीस में यह वाकया है, अल्लाह ताला ने सूरज को वही रोक लिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने कारकुनों के साथ अपने खादिमों के साथ वुजू किया, नमाज पढ़ी, सूरज को रोक लिया गया,
सूरज रोशनी फेंक ही रहा था, उसके बाद नमाज के बाद हुक्म मिला है कि सूरज आगे चले। हदीस में आता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है, जरा जोर से बेशक बोलो, अल्लाह उसका हो जाता है। बेशक बेशक। अल्लाह हमारा क्यों नहीं होता आपको मालूम है? हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। दीनदार तबका गीबतें करता, इसी के अंदर बुराई हो और फिर उसको बयान करना, ये गीबत कहलाता है। आम बीमारी है लोगों, अल्लाह का डर ही नहीं। लोगों पर तोहमत लगाना इससे बड़ा गुनाह। हराम माल खाना आम हो गया, आम। छोटे छोटे मसले होंगे, मुफ्ती साहब को पूछेंगे, और बाप मर गया, विरासत तकसीम करनी है तो मुफ्ती साहब से नहीं पूछेंगे, भाई बहन का, बहन भाई का खा जाता। शराब पीना, आज जाओ होटलों पे चक्के मार के आओ, पिपलोट पर जरा चक्कर मारो, कितने मुस्लिम नौजवान शराब पीते हो। जीनाकारियां तो आम हो गई, गली गली, नगर नगर। इसलिए तो रोज 200 रोजाना 200 भूकंप हो रहे हैं, रोज 200 भूकंप हो रहे हैं। कल आज का पेपर पढ़ो आप, कल जापान से लेकर इंडिया के उत्तराखंड तक 33 धरतीकंप लगातार धड़ाधड़ चालू कर दिया, 5.4 के 33 एक साथ। और कल नेपाल में 2 झटके हुए 4.5 के। सूरज कितनी बार हिलाया अल्लाह ने पिछले सालों में, पूरी धरती कांप रही है, क्योंकि जीनाकारी आम हो गई। शादीशुदा मर्द और औरतें गुनाहों में मशगूल है, जीनाकारी। सूद और व्याज का कारोबार अल्लाह ने चैलेंज किया है उसके साथ लड़ाई करने का, फादरू बिहर बिमिन अल्लाह व रसूल, कि मेरा चैलेंज उसके साथ लड़ाई का, व्याज भरो या व्याज लो, या व्याज के कारोबार में मदद करो या उसमें साइन करो, या बैंक में से लोन लेते वक्त उसमें गवाह बनो। अल्लाह ने उन पर लानत उतारी, फिटकार उतारी। कभी अंकलेश्वर आओ आप, इधर आप वापी जाओ, वापी ये जितनी जीआईडीसी एक चक्कर मार के देखो आप। अंकलेश्वर की जीआईडीसी तो बहुत पुरानी है, वापी वाली तो बात की पैदावार। 95% बंद हो गई, जाके देख लो आप। पूरे एशिया की नंबर एक जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कॉरपोरेशन, पूरी टोटल फेल हो गई, क्योंकि व्याज के कारोबार। प्राइवेट खानदान भी तबाह हो गए, प्राइवेट खानदान भी और कंपनियां भी बैठ गई। अल्लाह ने चैलेंज किया, फरमाया 1 रुपया हलाल का खाकर रोटी खा लो, मैं इसको बढ़ाऊंगा। पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक, मगर हराम को तो मिटा के रखो। ये उलमा इकराम के बीवी बच्चे नहीं, अल्लाह इनकी जिंदगी कैसे गुजारता है। बात आई तो कहता ही चलूं, आप में से बाद लोगों को बुरा लगेगा, आपके सूरत में एक भाई ने 6 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाई, रामपुरा पेट्रोल पंप के पास जाओ पूछ लेना, 6 करोड़ रुपए अभी ताजा बनाई है ने मुतवल्ली ने, ये कितने कंजूस, उसमें मेरा खुद का हिस्सा है, मैंने चंदा करके दिए पैसे, 6 करोड़ रुपए, अल्लाह गवाह है, झूठ नहीं बोल रहा। और इमाम साहब को पगार कितना देते हैं मालूम है आपको? 2700 रुपए। मैंने कहा तो अभी 500 रुपए बढ़ाए, तो मैंने वो मौन साहब को जांचने के लिए जरा छेड़ा, मैंने कहा तुम भी क्यों दिमाग खाते हो, कोई दूसरी जगह चले जाओ ना, 10,000 देता हुआ। अरे हो मौलाना, कि अपने बुजुर्गों ने ये सिखाया है, अभी तक नहीं छोड़ा वो मस्जिद, बोलो मौल साहब। 3200 रुपए पगार देता है, 6 करोड़ रुपए की बनाई, जरा जोर से बोलो ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कितने करोड़ की? अब बोलो उसको 6,000 रुपए नहीं मिलते मुतवल्ली। ये उलमाए किराम, इनको देखकर देखो क्या जरूरत है बैंक के लोन लेने, इनके बीवी बच्चे नहीं। तो मौल साहब ने साइड पे इतर का धंधा शुरू किया, मगर घर चल रहा। दो मर्तबा मैंने मीनारा मस्जिद पर वो मस्जिद वालों को बुलाया कि इनको बुलाओ मुझे काम, अभी तक नहीं आया। सिर्फ 500 रुपए बढ़ाए और चुप हो गए।
मैं इनको इसलिए बुलाने वाला हूँ कि सूरत में 500 आदमी को जमा करूँगा, मैं तुम्हारी मस्जिद छीन लूँगा, मैं किसी और को बना दूंगा, इसलिए वो आते नहीं हैं। ये सूद और व्याज का कारोबार आम हो गया, इसलिए अल्लाह ने हमारी जिंदगियों में से चैन सुकून छीन लिया और हमारे हाथ पर कोई करामत जाहिर ही नहीं होती। वरना हदीस में आता है, मिश्कात शरीफ में हदीस है, हर मोमिन की करामत होती जो अल्लाह उसके नेक अमाल की बरकत से देता, मगर रोजी हलाल हो तो करामत जाहिर हो। अल्लाह की मदद इसीलिए नहीं आ रही। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, वो नौजवानों की करामत थी जो गार में छुपे थे बादशाह के कत्ल के डर से और इस्लाम को फैलाने की नीयत से। सूरज टन लेकर बाहर निकलता, 300 से ज्यादा बरस अल्लाह ने उनको गार में सुलाया, 300 से ज्यादा बरस के बाद उनको उठाया। अब ये लोग आपस में मशवरा करने लगे, कालू कम लबिस, हम कितना सोए थे। एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने तीसरे से पूछा, किसी ने कहा एक दिन, किसी का एक रात, एक ने कहा दो रात, एक ने कहा आधा दिन, हर एक ने अलग अलग राय पेश की। तो उनका जो अमीर था उन्होंने कहा ये बहस छोड़ दो, अब कितना सोए, हो सकता है रात सोए और अभी सुबह उठ गए। उनको यही ख्याल था कि रात सोए सुबह उठे। अब वो बात कैंसिल करके आगे की बात हुई कि चलो अब क्या करें, तो कहा रोटी खाना है, कल लकड़ी काटने कौन जाएगा, डोल रस्सी तैयार है, कुएं से पानी कौन भर के लाएगा, जंगल था वो तो, और शहर में जाकर आटा और सब्जी कौन लाएगा। मशवरा हो गया, कोई लकड़ी काटने गया, कोई पानी डोल भरने गया। जिनके जिम्मे रोटी आटा और सब्जी थी, ये सूरह कहफ में लिखा है, और अल्लाह ताला ये किस्सा सुनाकर उम्मत मुहम्मदिया को क्या समझाना चाहते हैं वो असल समझने का, उसके बाद हम आपको 31 दिसंबर की बुराइयां समझाएंगे आपको। ये नौजवान आटा और सब्जी खरीदने वो दुकान पर गए, दुकानदार ने आटा दे दिया, सब्जी दे दी, ले ली, और उस जमाने में जो सिक्के थे सोने के या चांदी के वो उसके हवाले कर दिए दुकानदार। मगर जब ये बाजार गए ना तो चौंक गए, उनके दिमाग में ऐसा था कि वो ये अपनी बाजार होगी ना, अपनी बाजार होगी, अपनी दुकानें होगी, अपना इलाका है। मगर जब गए तो देखा कि ओहो, ये तो सब चेंज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, दुकानें नई, सारे बाजार अलग है, इंसान अलग है। 300 बरस के बाद अल्लाह फरमाते हमने इनको जगाया था, बाजारें बदल गई, चीजें बदल गई, लोग बदल गए, बादशाह बदल गए। 300 बरस के बाद जो नई नस्ल आई, उनके उम्रें बड़ी लंबी होती थी तो दूसरी नस्ल आ गई थी। मगर अब आटा लाना ही था तो लाए, दुकानदार ने पकड़ लिया, सिक्का देखा, पूरा मजमा जरा जोर से बोलो ताकि सबक याद रहे, कितने साल पुराना, 300 साल पुराना। उनको यही कि यही चलन में चल रहा है, यही करेंसी है, उनको कुछ खबर नहीं कि 300 बरस अल्लाह ने सुलाया। दुकानदार ने कहा भाई ये तुमने क्या दिया हमको, खोटा पैसा। कहा नहीं भाई, जो चल रहा है वही दिया, हम तो मुसलमान है, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। उसको लाइट आई कि वो जो नौजवान हम बचपन में सुनते थे, क्योंकि इसकी उम्र भी 300 से ज्यादा हो गई थी दुकानदार की, कि हमने बचपन में किससे सुने थे कि कुछ नौजवान भाग गए थे 300 बरस पहले, ये वही तो नहीं आए वापस, उनके इसके दिल में ख्याल आया। तो ये बादशाह के पास उसको ले गए, बादशाह को मिलना बहुत आसान था, ये तो यहां के बादशाहों को मिलना मुश्किल। अब अगर आप मेरे साथ वेस्ट इंडीज चलो, वेस्ट इंडीज में प्राइम मिनिस्टर को रास्ते पर मिलना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई पुलिस भी साथ नहीं होती।
यहां प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले तपली मार मार के मार डाले, यहां कोई बाहर नहीं निकल सकता। वहां उन्होंने कोई ऐसे गलत काम किए नहीं, लिहाजा उनको इत्मीनान है। पनामा साउथ अमेरिका के बादशाह आपको रास्ते में मिलता है, रास्ते में रोड पर। अभी आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा पिछले साल इंग्लैंड का डॉक्टर जॉनसन, जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था, साइकिल लेके लोगों के साथ दुकानों पे जाता था। इंग्लैंड का ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। तो उस जमाने में तो बादशाहों को मिलना बहुत आसान था। वो दुकानदार इन नौजवानों को लेकर बादशाह के पास गया कि देखो मैंने इनको आटा और सब्जी दी, इन्होंने मुझे खोटा सिक्का दिया, केस दर्ज कराया। बादशाह ने सिक्के देखे। अब जो बादशाह आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक अल्लाह पर ईमान रखता। जोर से बोलो भाई, कितने अल्लाह पर? एक अल्लाह पर। बादशाह बदल गया था 300 बरस के बाद, और वो बादशाह मर गया था जो कत्ल करने की साजिश कर रहा। उन्होंने पूछा सब सवाल के, केस इनका इंदिराज हुआ, उनके खिलाफ केस बना। तो आप कहां से आए? तो कहा गार में से। कहा किधर है? तो कहा यही जॉर्डन के पास। कहा चलो, पुलिस लेकर गए। और ये बादशाह का जो बचपन था, ये बादशाह ने भी सुन रखा था कि पिछले जमाने में कुछ नौजवान गायब हो गए थे, फिर बाद में आए नहीं, हो सकता है ये वही नौजवान हो। वहां जाकर देखा तो कहा यही गार है जिसके बारे में हमने किस्सा सुना। तो बादशाह सलामत ने पूछा कब सोए थे? सबने ही कहा आधा दिन, एक दिन, दो दिन। तो बादशाह समझ गया कि मसला कुछ दूसरा है। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया इन नौजवानों को और समझाया कि अल्लाह के बंदो, मैं भी मुसलमान हूं और आप भी मुसलमान हो, आप एक दो रात नहीं सोए। अल्लाह ने आपको जालिम बादशाह से बचाने के लिए 310 बरस के करीब अल्लाह ने आपको गार में सुलाया, और आज 300 बरस के बाद उठे, और देखो अभी का सिक्का ये है, अभी का हाल का सिक्के ये है, और तुम जो सिक्के लाए हो 300 बरस पुराने, आप 300 बरस सोकर उठे। तब जाकर वो भी समझे कि अल्लाह ने उस जालिम बादशाह से बचाने के लिए। दोबारा जोर से बोलो, कितने बरस सुलाया? 300 बरस। तब जाकर उन नौजवानों को मालूम हुआ कि हम 300 बरस सोए। अल्लाह ताला ने किस्सा कुरान में क्यों सुना? अब सुनो जरा। फिर वो बादशाह ने इन मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे दिए हुकूमत में कि ये तो बड़े अमानतदार लोग हैं, एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, शिर्क नहीं करते हैं, मदद आई अल्लाह की ईमान की बरकत से। चुनांचे इन नौजवानों को हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे दिए, और उनके बाद उन्होंने उस इलाके में इस्लाम फैलाया। आज जो अरबस्तान और पूरे इलाकों पर इस्लाम का बोलबाला नजर आ रहा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये सूरे कहफ में जिन मुस्लिम नौजवानों का तस्करा है उनकी दीन की दावत की, बोलो बेशक बरकत का। उन्होंने इस्लाम फैलाया। अब सुनिए, अल्लाह ताला ने ये किस्सा कुरान पाक में क्यों सुनाया, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये मैंने पहली सीढ़ी पर अभी कदम रखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये किस्सा हमने सूरे कहफ में इसलिए सुनाया कि हम तुम्हें ये बतलाना चाहते हैं। जरा पूरे मजमे में से बेशक की आवाज आनी चाहिए तो मैं भी तो देखूं कि आपका ईमान और यकीन मजबूत है। अल्लाह सूरे कहफ में ये किस्सा क्यों सुना रहे? अल्लाह फरमाते हैं, हमने ये किस्सा इसलिए सुनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये यकीन दिलाए, ईमान पिलाए कि जो अल्लाह सुलाते वक्त आए, सुनाने पर आए, तो 300 से ज्यादा बरस सुलाने के बाद उनको नींद से दोबारा जगा सकने की ताकत रखता है वो अल्लाह। तुम्हें कब्रों में सुलाने के बाद, बोलो जोर से, बेशक कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता है। बेशक बेशक बेशक। यह है सूरे कहफ का खुलासा। और जब ये यकीन मजबूत होगा तो आदमी डरेगा कि मुझे मरने के बाद कब्र में लंबी मुद्दत तक सोना है, और जब कयामत का दिन आएगा तो मुझे एक सेकंड में मिट्टी से दोबारा जिंदा करेगा।
आओ कुरान के एक सवाल का जवाब भी समझे, फिर आगे चले 31 दिसंबर की तरफ। अल्लाह ताला ने कुरान में अबू जहल और अबू लहब का एक वाकया सुनाया। قال من يطير العظام وهي رميم سورة ياسين شريف میں قل يحييها الذي انشاها اول مره ابو جہل کہتا ہے ہم تو مر جائیں گے قبر میں، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، کوئی ڈھونڈے گا ملیں گے نہیں کہ یہ ابو جہل یا ابو لہب تھا، ہم میں ہماری ہڈیوں میں دوبارہ کون جاندہ ہے۔ یہ مسئلہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے، سمجھ کر جاؤ، اور اب قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، رو گے یہ مسئلہ نہیں سمجھو گے تو۔ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا ہم تو مر جائیں گے، کھا پی کے ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جیسے آج کل سائنس والے کہتے ہیں، یہی بات وہی انداز دوسرا ہے۔ سائنس والے یوں کہتے ہیں، وہ بھی ناستک ہیں، سائنس والے یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر زندگی ہے تو آج تک مسلمانوں کے قبرستان سے، ہندوؤں کے شمشان سے، یہودی عیسائیوں کے قبرستان سے آج تک کوئی مردہ واپس کیوں نہیں آیا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا کہ جس گھر سے مردہ گیا ہے، اب ان کے بعد والوں کو پوچھو کہ تم ان کو گھر میں رکھو گے تو اللہ اب بھی لے آؤ۔ شیخ سعدی نے پوچھا ہے کہ پہلے پوچھ لو کہ تم گھر میں رکھو گے، بولو بھائی کوئی رکھے گا؟ کہے گا نہیں، جاؤ بھائی تمہارا تھا وہ، ہم نے لے لیا ہے، ہمارے حصے میں وراثت میں آ گیا، مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا تھا کہ مر گیا اب تمہارا ہو گیا، اب تم کو کس نے کہا؟ یہاں آج سائنس والے دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ آج تک کوئی آیا نہیں ہے، اب شیطان ہم کو بہکاتا ہے، ہمارے جوانوں کو، موبائل والوں کو، ہیئر کٹنگ، فیشن کی ہیئر کٹنگ کرنے والوں کو، فیشنیبل پینٹ پہننے والوں کو۔ کیسی فیشنیبل معلوم ہے؟ گھٹنوں کے اوپر پھٹی ہوئی دکھتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر، یہاں یہاں پھٹی، فیشن، سطر دکھ رہا ہے، سطر تو پیچھے بھی ہے، ادھر پھٹی ہوئی کوئی کیوں نہیں رکھتا ہے، یہ بھی سطر ہے، وہ بھی سطر ہے، وہاں فیشن نہیں کرتے کیونکہ وہاں حجامت ہوتی ہے، پانی پلا دو۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کسی مفتی سے پوچھ لو، کتاب اللباس جب کھولیں گے فقہ کی کتابوں میں سطر کا لباس، تو پوچھنا کہ بغیر ضرورت کے اپنا یہ سطر آگے پیچھے کا، آپ پوچھو، بغیر ضرورت کے کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ استنجے کے لیے کھولیں، بس اتنی دیر اجازت، آپ کو کوئی زخم لگا ہے اور آپ وہاں دوائی لگانا چاہیں، اور وہ بھی تنہائی میں اکیلے آپ ہیں، تو دوائی لگانے کے لیے آپ کو سطر کھولنے کی اجازت۔ آج کل کے نئے فیشنیبل زمانے کے گاڑی والے، موبائل والے، ریموٹ کنٹرول والے، بائک والے، گاڑیاں سپیڈ پر دوڑانے والے بائکر لوگ، ان جوانوں کو شیطان پھر بہکاتا ہے کہ آج تک کوئی قبرستان سے واپس نہیں آیا تو ہم قیامت کو کیسے واپس آئیں گے؟ شیطان بہکاتا ہے، من النور الى الظلمات، نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے شیطان۔ بات تو بہت اچھی دکھتی ہے، مگر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ذرا دھیان سے سنیں گے بھائی، جواب دو نا سب مل کر، سنو گے نا؟ ذرا زور سے جواب چاہیے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر تم کہو تو آج میں زندہ کر دوں، کہ آج اون میں عشاء کے بعد جب بیان ہوگا 31 کو، چیلنج کیا قرآن میں، تم کہو اس سیکنڈ میں میں سارے مردوں کو زندہ کر کے، کہ تمہیں قبرستان آنے کی بھی ضرورت نہیں، ان مردوں کو اٹھا کے تمہارے سامنے لے آؤں، قرآن میں چیلنج ہے۔ اور مگر سوال کیا ہے کہ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں تو اب بھی کر لوں، قیامت کے دن جو کر سکتا ہے، زور سے بولو، بے شک وہ آج بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ فرما رہے پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں آج ان مردوں کو دنیا میں زندہ کر کے کیا کروں؟
ये वो मुर्दे हैं मुसलमानों के जो नमाज पढ़ कर गए, रोजे रख कर गए, जकात हज करके गए, कुर्बानियां दे कर गए, तिलावत जिक्रुल्लाह दुरूद शरीफ करके गए, यतीम बेवाओं को पाल कर गए, ये उनकी अपनी नेकियां। मदरसों में इनके पैसे लगे, ईंटें लगी मदरसों की दीवारों में, मस्जिदें जितनी बनी है लाखों की तादाद में इन मुर्दों ने पैसे दिए उनमें। किसी ने कपची दी, किसी ने ईंट दी, किसी ने रेती दी, खुदा जाने क्या क्या दिया, और मस्जिदें बनी पुरानी नई सब। फरमाया इन मुर्दों ने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, इनका पैसा स्कूलों में लगाया, कॉलेज में लगाया, यूनिवर्सिटियों में लगाया, पानी के बड़े बड़े तालाब बनाए, बड़ी बड़ी टंकियां बनाई, बेवा यतीमों के फंड खोले, और खुदा जाने क्या कितने बड़े बड़े झाड़ लगाए रास्तों पर, परिंदे आराम कर रहे, उस वो फ्रूट खा रहे परिंदे, खुदा की मखलूक खा रही है, अपने लिए पानी के नल लगा कर गए, सदके जारिया कयामत तक के। तो अल्लाह फरमा रहे मैं आज जिंदा करके क्या करूं, अधूरा सवाब दो इनको आज जिंदा करके 31 दिसंबर को। अभी तो उनकी मस्जिदें खड़ी है, उनके मदरसे खड़े, उनकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खड़ी है, उनके पानी के तालाब खड़े हैं, वाटर वर्क्स खड़े हैं, आज भी उनकी नेकियां चालू है। अरे उन और अतराफ के मुसलमानों जोर से बोलो बेशक, अगर मुर्दों से सच्ची मोहब्बत है तो जोर से बोलो बेशक, आज भी उनकी नेकियां चालू है और कयामत तक चालू रहेगी। अभी उनकी नेकियां खत्म नहीं हुई। अल्लाह फरमा रहे आज जिंदा करके अधूरा सवाब दूं। उन मस्जिदों में नमाजें हो रही है, एहतिकाफ हो रही है, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, एहतिकाफ हो रहा है, शबे कदर की तलाश हो रही है, खुदा जाने क्या क्या हो रहा है, नेक आमाल। मदरसों में बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे, स्कूलों में एजुकेशन ले रहे, वो भी अच्छा काम है। वाटर वर्क्स है, लोग पानी पी रहे, मखलूक पी रही है। राजस्थान जैसे इलाकों में ऊंटों के लिए तालाब बनवाए जानवरों के लिए, वो कर रहे हैं, वो नेकियां चालू है, और अल्लाह फरमा रहे ये नेकियां कयामत तक चालू रहेगी। आज पैदा करके अधूरी नेकियों का बदला दूं तो ये तो इंसाफ के खिलाफ है। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं इनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन। भाई आप मुसलमानों जोर से बोलो, आपको गैर मुस्लिमों को समझाना है, इनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन। ज्यादा जोर से बोलो, तर्जमे के साथ उर्दू में बोलो जोर से, सब मिलकर जवाब दो, उनको जिंदा करने की जरूरत कब पड़ेगी, कयामत। तो अल्लाह फरमा रहे कयामत को तो आने दो, वो दिन आएगा जब दूंगा। अकलमंदी यही है कि नेकियां भी पूरी हो जाए और उनका हिसाब भी दे दिया जाए। इसी तरह गुनेगार लोग, शराब पीने वाले, जुआ शराब बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, जीनाकारियां करने वाले, लूटमार करने वाले, हराम माल खाने वाले, भाई बहनों का माल खाने वाले, अल्लाह फरमा रहे सिनेमा थिएटर खोलने वाले, आज भी उनके गुनाह चालू है और कयामत तक चालू रहेंगे। आज उनके गुनाह पूरे नहीं हुए, आज भी उनको भी जिंदा कर सकता, मगर जिंदा करके अधूरी सजा दूं? मेरा कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है, और मैं रब्बुल आलमीन हूं, लिहाजा इनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। जरा दोबारा जोर से बोल दो, कौन से दिन? कयामत के दिन। तो क्या कयामत तो आने दो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे वो बड़ी निशानियां शुरू हो गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई। रोजाना 200 भूकंप हो रहे हैं इस वक्त कायनात में। पेपर पढ़ो ना, हर हफ्ते में 2-3 बार पहले पेज पर आता है। अभी इंडोनेशिया में हुआ, 250 आदमी मारे गए, 250 आदमी मारे गए। अफगानिस्तान में 2-2.5 महीने पहले जलजला हुआ, 2000 मुसलमान शहीद हो गए, 2000, और 5000 आदमी जख्मी। पूरी धरती हिल रही। मौलाना वसीम साहब के पास से मेरा खुद का नंबर नहीं, मगर हमारी जो ऑफिस है दीन दुनिया ऑफिस अंकलेश्वर, उसका नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। वहां से पूरी दुनिया में आप अपडेट करते हैं, कहां कहां जलजले हो रहे हैं, कौन से उलमा के बयानात सुनने के लायक है आपके लिए, वहां से नशर होता है। 60 से ज्यादा मुल्कों में हमारी दीन दुनिया पहुंच चुकी हमारी खबर। मौलाना नंबर है आपके पास? इनके पास से ले लेना, आपको जानते हैं ना सब।
ये दीन दुनिया ऑफिस का नंबर आपके पास होना चाहिए। कहां जलजला हुआ एक सेकंड में वहां खबर आ जाती है और वो अपडेट देते हैं कि कायनात में कहां कहां जलजले हुए। अभी अमेरिका वाशिंगटन में 6.4 के दो खतरनाक जलजले हुए। 70,000 यानी गुजराती में 70,000 मकानों में लाइटें डुल हो गई थी, बेहिसाब दरारें पड़ गई और तकरीबन 50 आदमी मारे गए। यह 4-5 दिन पहले की बात है। और बर्फ का ऐसा तूफान आया, इतना तूफान आया कि बेहिसाब लोग बर्फों में डब के मर गए। रिकॉर्ड ब्रेक। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, छोटी निशानियां पूरी हो गई और अब बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में झूठ शराब आप देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है, जुआ जुगार नाच गान धोखाबाजी लाच रिश्वत जुल्म जीनाकारी और सूदी कारोबार आम हो जाएगा। फबादहा सनवातुस जलाजिल, उसके बाद जलजलों के बरस कयामत तक शुरू हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए मैं 2007 से कयामत की निशानियों पर बोल रहा हूं। आज 2022 पूरी हो जाएगी, 15 बरस हो गए मुझे बोलते बोलते। उस वक्त 10 जलजले होते थे 24 घंटे में, सिर्फ 10 होते थे, अभी 200 हो रहे हैं। जरा जोर से बोलो ना भाई, घबराओ नहीं, अभी नहीं होगा। कितने हो रहे हैं? 200 के करीब जा रहे हैं। डेली सर्विस है, कायनात ऐसे हिल रही। अल्लाह ताला मुझे और आपको मौका दे रहा है कि सूरज पश्चिम से निकले इससे पहले पहले तौबा कर लो, अब दुनिया जाने को। साइंस वाले ऐलान कर रहे द फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का आखिरी दिन अब बहुत दूर नहीं। ये लोग कह रहे हैं इन 2050 द अर्थ विल बी एरिड एंड एम्प्टी, 2050 तक में दुनिया साफ होने का खतरा है। साइंस वाले भी अंदाजा बतला रहे हैं, मैं भी अंदाजा बतलाता हूं। अमेरिका में एक डॉक्टर अब्दुल मोहसिन है, अभी हाल में जिंदा है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, पैदाइश भी अमेरिका में हुई मगर घराना दीनदार है, तो बच दीनदारी में तरबियत हुई। कयामत की निशानियों पर किताब लिखी और चांद और सूरज का हिसाब लगाकर कयामत तक हिसाब लगाया। वो कह रहे हैं कि मुश्किल से 25-30 बरस बाकी है, मुश्किल से। मार्केट में आ गई उनकी किताब। अंदाजा, जितना कम मानोगे ना उतनी आखिरत की तैयारी होगी। और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई नेकी करो, या मिश्कात शरीफ की हदीस, जब तुम नमाज पढ़ो तो कौन क्या ख्याल करो कौन सी नमाज है। जोर से बोलो भाई, ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज, हो सकता है टाइम ना मिले दूसरी बार। तो जितना हम लोग अंदाजे बतला रहे, जितना कम मानोगे उतनी आखिरत की फिक्र पैदा होगी और जितना ज्यादा मानोगे ना तो सुस्ती पैदा होगी और दुनिया से ऐसे ही चले जाए। मैं तो हमेशा बयान के आखिर में कहता हूं कि हम लोग अंदाजा बतलाते हैं ताकि उम्मत जागे, वरना कयामत आएगी, जब आएगी अल्लाह को खबर है तारीख कौन सी, घड़ी कौन सी, साल कौन सा, महीना कौन सा, ये तो अल्लाह को खबर है। मगर बोलो, जवाब दो, बेशक बोलो, मेरी और आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब उठा ले कोई ठिकाना। आपका सूरत का नहीं, सूरत में तो उनकी हॉस्पिटल थी मगर गुजरात का नंबर 1 डॉक्टर था, MS मास्टर ऑफ सर्जन डॉक्टर इब्राहिम वेड़छियाना, रूबी हॉस्पिटल के मालिक, चुटकियों में ऑपरेशन करते थे, चुटकियों में। इंतकाल हो गया अभी उनका 2 महीने पहले। डॉक्टर इब्राहिम वेड़छिया कोसंबा के रहने वाले थे। आमीन कह दो सब मिलकर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। कई लोगों की जान बचाई थी मगर इंतकाल हो गया, वक्त आ गया। कुरान में है एक बात याद रखना साथ साथ, अल्लाह ने फरमाया हमने डॉक्टरों को बदन की बीमारियों का इलाज बतलाया है, वहीदों को हकीमों को, कुरान में है ये बात, मगर फरमाया हमने बदन से हटकर एक और चीज बनाई है जो बदन को भी जिंदा रखती है, वो रूह है। रूह, अल्लाह फरमा रहे रूह कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसका अंदाज क्या है, वो उसकी शक्ल कैसी है, पूरा मजमा जोर से बोलो, हमने किसी को बताया नहीं और कयामत तक बतलाएंगे भी। डॉक्टरों को बतला दे तो क्या होगा मालूम है? अडानी अंबानी के घर में मसला आ जाए तो क्या कहेंगे मालूम है?
कि ये सब फुटपाथ पर सोने वाले हैं यार, इनकी रूह निकाल लो, हमारे घर के आदमी निकल जाए, इनकी निकाल के हमारे आदमी में डाल दो, इनको रवाना कर दो सब। ये फुटपाथ पर सोने वाले तो कब से रवाना हो गए होते। और डॉक्टरों का ही मसला घोंच में पड़ा हुआ है। डॉक्टर नीटू मांडके बंबई का हार्ट स्पेशलिस्ट था, नीटू मांडके 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, आखिरी जमाने में नास्तिक हो गया, नॉन बिलीवर इन गॉड, खुदा का इनकार कर बैठा। 10,500 ऑपरेशन किए थे यूं चुटकियों में हार्ट के, 48 साल की उम्र थी। वो एक दिन गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था मरने से पहले। उनकी वाइफ ने अंग्रेजी में किताब लिखी है, व्हाट इज डॉक्टर नीटू मांडके, हु इज डॉक्टर नीटू मांडके, क्या थे और कौन थे वो, पूरी जिंदगी पर किताब लिखी। उनको खुद को अटैक आया गाड़ी चलाते चलाते, और एक पड़ोस जहां गाड़ी करीब थी वहां बंबई में एक हॉस्पिटल थी, वहां ये दौड़े, मगर कोई भी उस हॉस्पिटल का आदमी, नाम सुना था कि डॉक्टर नीटू मांडके बहुत जहीन होशियार डॉक्टर है, किसी को खबर नहीं थी कि डॉक्टर नीटू मान, इतना डेंजर अटैक आया था, बस वो इतना बोल पाए कि मुझे अटैक आया, मुझे जल्दी से मेरी ट्रीटमेंट शुरू करो। मगर वो ट्रीटमेंट करने में देर हो गई उनको, उनको पता नहीं था कि डॉक्टर नीटू मांडके है, वो समझे कि कोई आम आदमी होगा कोई, उसमें उनकी रूह निकल गई, इतना जोर से अटैक आया। एक दिन एक औरत आई थी, उनका ऑपरेशन किया, औरत ने अल्लाह का नाम लिया कि डॉक्टर साहब आपको खुदा ने जरिया बनाया और मैं ठीक हो गई। डॉक्टर क्या बोले मालूम है, ये नीटू मांडके, पेपर में मैंने पढ़ा था कि खुदा ने शिफा नहीं दी है, तू मुझे पैसा दे मैं तुझे शिफा देता हूं। नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ईमान ना हो ना तो आदमी यहां बहक जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपकी औलादों के पास लाख दुनियावी एजुकेशन होगा, मगर साथ जो दीनी तालीम नहीं होगी, बोलो जरा जोर से, बेशक सच्चा इंसान बन ही नहीं सकता। आप समझ जाओ, आपकी औलादें आपके हाथ में रहे तो दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दो, इंसान बनेंगे, सच्चे मुसलमान बनेंगे। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, कयामत आएगी जब आएगी, मगर मेरी और आपकी मौत का कोई भरोसा नहीं। अब जब कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है, उलमा कहते हैं कि बड़ी निशानियां शुरू हो गई, और तकरीबन 4 बड़ी निशानियां हो गई। धुआं निकल गया आइसलैंड में 2010 में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, और 3 बड़े जलजले हो गए 10 निशानियों में। अब उलमा की 20 किताबें मार्केट में छपकर आ गई, दज्जाल, हजरत ईसा और इमाम मेहदी के बारे में, कि इनके निकलने की तैयारी। 20 किताबें मार्केट में आ गई अरबी उर्दू में, इंटरनेट पे देख लो आप, छपकर आ गई। उलमा का कहना है कि दज्जाल के निकलने की तैयारी, दज्जाल निकला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह आसमानों से उतारेंगे और इमाम मेहदी का जहूर भी हो जाएगा, उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा और पूरा मजमा, जरा जोर से बोलो, तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिर आप अल्लाह से कहोगे अल्लाह मुझे माफ कर, नहीं हो। उसके बाद की निशानियां तो हदीस में आता है, धमाधम पूरी हो जाएगी, धमाधम वो कयामत खड़ी हो जाएगी। सूरत के मुसलमानों, ऊन वालों, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं, अल्लाह की है, अल्लाह की, अल्लाह की है। पूरा मजमा बोलो अपने मालिक का नाम, ये दुनिया किसकी है, अल्लाह की है, मेरी आपकी नहीं है। हमको तो किरायेदार दिया, रहने के लिए दिया, और कहा मेरा हुक्म मानो, और सैंपल दिया कि देखो जब से बनाया तब से पुराना नहीं हुआ, जमीन भी पुरानी नहीं हुई, आसमान भी पुराना, तुम पुराने हो गए, बुढ़े हो गए, तुम्हारे बदन बुढ़े हो गए, तुम्हारे दिल बुढ़े हो गए, तुम्हारी आंखों पे चश्मे लग गए, बुढ़ी हो गई, ये सब बुढ़ा हो जाता है, तुम्हारे मकान, तुम्हारी गाड़ियां बुढ़ी हो जाती, पुरानी हो जाती। अल्लाह फरमा रहे ये सैंपल रखा है जन्नत को याद करने के लिए, कि हुक्म के माने बगैर ऐसा सूरज, ऐसा चांद और ऐसा आसमान और ऐसा जमीन और उसमें बसने वाली मखलूकात इतनी जोरदार दी, हुक्म नहीं माना है तो इतनी खूबसूरत दुनिया दे रखी है, तो जरा जोर से बेशक बोलो, हुक्म मान कर जाओगे तो इससे खूबसूरत जन्नत भी दे सकता है। बेशक बेशक।
वादा बिल्कुल पक्का, मैं और आप झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। तो चार निशानियां हो गई और अब दज्जाल के निकलने की तय। उलमा कह रहे मुफ्ती अबू दुजाना है, अबू लुबाबा पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कह रहे हैं कि ये 24-25 में तारीख के साथ वो लिखते हैं 24-25 में खतरा। उनकी किताब है दज्जाल कब कहां। उन्होंने भी अंदाजा लगाया हो, 2-4 बरस ज्यादा हो सकते हैं। ये दज्जालियत देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से पहले पहले 30 झूठे पैदा होंगे, उसमें एक शकील बिन हनीबाब का ऊन वाला हड्डू। ये अपने आप को हजरत ईसा कहता है और इमाम मेहदी कहता है। भाई इमाम मेहदी और ईसा कहता है तो उससे पहले दज्जाल का होना तो जरूरी है, तेरा बाप कोई दज्जाल तो ला पहले, उसके बाद इमाम मेहदी और ईसा आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले दज्जाल आएगा, उसको खत्म करने के लिए इमाम मेहदी और हजरत ईसा आएगा। कितनी जहालत है जरा तो देखो। इसलिए हुजूर ने फरमाया 30 दज्जाल झूठे पैदा होंगे, झूठे कज्जाब पैदा होंगे। अभी मगरिब बाद हमारी उलमा के साथ बातचीत कर रही थी शकील भाई के घर पर, वो कह रहे इसका इलाज क्या है। मैंने कहा इसका कोई इलाज नहीं, कयामत की निशानी आएगी तब पता चलेगा कि कयामत करीब आ गई। शकील बिन हनीफ झूठा पैदा होगा तो पता चला कि नहीं कयामत करीब है। भाई बोलो ने जोर से सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। लिहाजा तोबा कर ले, जिन लोगों ने शकील बिन हनीफ का कलमा पढ़ा है वो भी झूठा, और जिन्होंने जो शकील बिन हनीफ खुद है वो भी झूठा, इनके मानने वाले भी झूठे, ये सब जहन्नम की आग में जाएंगे। मैंने आपको दलील बतला दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का दावा करने वाले के जरूरी के पहले दज्जाल हो, दज्जाल आए नहीं, लिहाजा इमाम मेहदी और हजरत ईसा को कैसे आएंगे, अभी उनके बाद आएंगे। उसका फितना गांव गांव शहर शहर बढ़ जाएगा, उसके बाद अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो भी कहाँ पैदा करेंगे। जरा देखो तो झूठ की भी तो हद हो के कितना जद, मानो बिहार में पैदा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दमिश्क की जामा मस्जिद के पूरब के मीनारे पर उतरेंगे 2 फरिश्तों साथ। नहीं ये बिहार में दरभंगा में पैदा हो, और दरभंगा भी बिल्कुल फटीचर इलाका है, वो खुद भी देखो ना फटीचर जैसा ही है। लिहाजा ऐसे फितनों से बचो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, पहले दमिश्क के बाद उनकी नबूवत खत्म नहीं हुई, कयामत तक रहेगी। अब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं बन सकता। हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो भी उम्मती बनकर आएंगे, नबी बनकर नहीं आएंगे। हुजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर के उम्मती बनकर आएंगे। लिहाजा जब कयामत करीब आ गई तब जो करने के काम है वो नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, कुर्बानी करना है, तिलावत करना है, जिक्रुल्लाह करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तग़फ़ार करना है, मस्जिदवार जमातों में बैठना है, फ़ज़ाइल आमाल हो या कोई और दूसरी हदीस की किताब हो तफसीर की उसकी मजलिस में बैठना है, रोजाना रातों को खाना खाने के बाद घरों में तालीम जिंदा करना है, अल्लाह के रास्तों में निकल कर दीन सीखना है, तबलीगी इज्तिमात में जाना है, उलमा की मजलिस है जो हर जुमा को होती है या हफ्तावारी उसमें शरीक होना। अब सोमवार को आके देखो मीनार मस्जिद भागलपुर कितनी पब्लिक होती है, वहां दरसे हदीस होता है, शहर से चुनिंदा नौजवान आते और दीन सीखते हैं, और लाइव 50 से ज्यादा मुल्कों में लोग देखते हैं लाइव और ट्वीट करते हैं। जब कोई अच्छी बात लगी फौरन मोबाइल पर वो देते हैं कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात सामने आई। अब अल्लाह ने दीन सीखना बहुत आसान कर दिया, देखो ये लाइव देखने वाले देख रहे, घरों में बैठकर औरतें भी देख सकती। आप मीनारा मस्जिद तक ना सको तो लाइव देखो। अभी सलमान खान ने शाहरुख खान आया हो सूरत में तो सब गाड़ियां लेकर दूसरों के साथ जाएंगे,
अभी औरस में जाना हो जीनाकारियों के लिए, ढोल तमाशे देखने के लिए, तो औरस में फौज दौड़ेगी। अल्लाह के दीन को सीखने के लिए कयामत करीब आ गई, अभी मुसलमानों के कानों पर जू तक नहीं रही। आज पिपलोद में एक इस नीयत से चक्कर मारने जाओ कि हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे, सिर्फ इस नीयत से चक्कर मारने जाओ आप कि क्या शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जीनाकारियां कर रहे हैं, देखो जाके आप, पटाखे फोड़ना, डिस्को डांस करना, शराब पीना, नंगी औरतों के साथ जीनाकारियां करना, ये हमारा काम, ये ईसाइयों के काम, ये गैरों के काम, ये नास्तिकों के काम, उसमें शरीक होना और इन कामों को करना, ये अल्लाह के अजाब को दावत देना। आज भी अल्लाह ताला अजाब देने की ताकत रखता है, ये जलजले आ रहे के हिसाब लोगों को मार रहा है। आज भी अल्लाह ताला को नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कोई आजिज नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सुवात में पानी का सैलाब आया, हजारों आदमी को बहा दिया, उनकी लाशें भी हाथ में नहीं आई, अभी तो हुई 2-3 महीने पहले। पाकिस्तान में सुवात में जो सैलाब आया, हजार 5-star होटलों को उठा के एक ईंट बाकी नहीं रखी, 5-star होटल है जो दरिया के किनारे थी सबको मिसमार करके खत्म कर, सब जीनाकारियों के अड्डे थे। अब खतरनाक किस्म के जलजले कयामत तक होते रहे। अखबार पढ़ो, सोशल मीडिया पर देखो कि हालात क्या चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने शराब को और जुआ को, जो खास कर ये 31 दिसंबर को, और जीनाकारी को कितना तफसील से कुरान में बताया, फरमाया ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशा वसाअ सबीला, जीना के करीब भी न जाओ, वो बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है, बहुत बुरी चीज है। कुरान में फरमाया वयखुरुद फी मुहाना, जीनाकारी करने वाले अल्लाह फरमा रहे लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में उनको बेइज्जती से रखा जाए। जरा जोर से, अभी तक तो बहुत धीमे से बोले, सारे चारों तरफ से जोर से आवाज आनी चाहिए, माँ बहनों तक आवाज आती हो वो भी आमीन गए, अल्लाह जीना के ख्याल से भी हिफाजत कर। आजकल ये गुनाह बहुत आम हो, चुटकियों में लोग जीनाकारियां करते, चुटकियों की, और यही धंधे आज की रात में होंगे। 12 बजते ही पटाखे फूटते ही शराब नशे और जुआ और खुदा जाने के नाच गान। अल्लाह फरमा रहे यसअलूनक अनिल खम्र वल मैसिर, शराब और जुआ। अब तो जुए की अलग अलग किस्में आ गई, मोबाइलों पे आ गए, नेट पर आ गए। قل فيما إثم كبير ومنافع للناس, जुए में आदमी जीत कर आता है, फायदा तो हुआ जाहिर में, मगर अल्लाह फरमा रहे तू हराम माँ के माँ बाप औलादों के पेट में डाल। शराब पीने के बाद आदमी जरा मस्त हो जाता है थोड़ी देर के, कुरान भी कहता है उसमें एक फायदा है, थोड़ा देर मस्त होता है, मजे लेता है, मगर अल्लाह फरमा रहे उसमें खतरनाक किस्म का गुनाह। इसलिए हुजूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस, गुनाहों में सबकी माँ, गुनाहों की माँ है वो शराब, और शराब जीनाकारी से इसलिए खतरनाक बतलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शराब पीने के बाद आदमी को यह भी पता नहीं कि मेरे सामने बीवी है, बेटी है, बहन है कि सगी माँ, आदमी ये भी पता नहीं। इसलिए फरमाया अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, कितने बजे, 11:30 हो गए, आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَأْنُهُ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتِ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا تُنْبِتُ الشَّجَرَ مِنَ الْمَاءِ, اللہ برسات کے پانی سے جیسے مردار زمین کو اور مردار درخت کو زندہ کرتا ہے, ایسے اللہ کے رسول فرما رہے ایسے عالموں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے مردہ دلوں کو اللہ زندہ دل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا علماء کے پاس بیٹھ, ہفتہ واری درس حدیث ہوتا ہے, ये मीनारा मस्जिद पर आप देखो, सूरत की जान है वो, हार्ट ऑफ दी सिटी है मीनारा मस्जिद, वहां हर पीर को मैं असर से बैठता हूं, ईशा तक लोग इलाज के लिए आते हैं।
उसमें 10 से 15 केस जीनाकारियों के होते हैं, आपको सही कह रहा हूँ। आप चाहे तो आके बैठो वहाँ। औरतें लेटर में लिख के लाती है कि मेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे गलत काम करता है। आम हो गया जीना का, मेरा ज्यादातर काम दवाओं का, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक। मुझे 2005 में एक बार प्रेशर की बीमारी आई थी, मेरे खुद की अपनी दवा की, वो निकल ही गया, प्रेशर बिल्कुल निकल गया। नमक खाने की ज्यादा आदत थी तो इसमें गैप हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बदलना पड़ेगा, अब आप देख लो आपके सामने कंप्लीट हो गया, जरा भी कोई तकलीफ। आज भी देसी दवाओं में अल्लाह ने बहुत पावर रखा है, आप भी फायदा उठाओ। और वहाँ जो मजलिस होती है उसमें बैठो, और भी उलमा किराम आते हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिले कुर्बो जवान में वहाँ फायदा उठाओ। अब तो दीन यूट्यूब पर सीखना कितना आसान हो गया, कितना आसान। मगर आज भी हम लोग गफलत में सो रहे, कयामत करीब आ गई। साइंस वाले बार बार ऐलान कर रहे हैं कि अब दुनिया 2050 तक में साफ होने का खतरा। ये लोग कह रहे हैं दिस इज द लास्ट चांस, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। साइंस वाले कह रहे हैं दिस इज द लास्ट चांस, इंसानों के लिए खुदा की तरफ से आखिरी चांस। अब इंसान ने जमीन पर रहने का हक खो दिया, अब अल्लाह की दुनिया कायम होगी, अल्लाह हिसाब लेगा हम लोगों से। और उसके बाद अगर ईमान और आमाल होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। ये अजमन बस जुमला जहां अमीन बात वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर जरा इससे पहले कि मैं दुआ शुरू कराऊं, जरा जोर से, धीमे से नहीं, वो जो खड़े हैं वो लोग भी, बैठे हैं दाएं बाएं वो भी, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। मैं आपके लिए इतना दूर से आया हूं तो क्या आप इतना मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मेरे दिल को इत्मीनान हो कि आप आखिरत की तैयारी करेंगे? इंशाअल्लाह कहो कि मरने से पहले पहले अपनी आखिरत की, पूरा मजमे में से आवाज आनी चाहिए कि इंशाअल्लाह, जोर से बोलो जरूर आखिरत की तैयारी करेंगे। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। ये शिफा के लिए दुआ करनी है पठान मुख्तार खान, इलियास भाई मुकद्दम, नीलोफर इदरस माल जी, अल्लाह सबको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। मस्जिद आयशा का चंदे का ऐलान करवाना है, ये कौन है? मस्जिद आयशा है। अच्छा, उन लोगों भी की इमदाद करते जाएं। और ये एक हमारा भी मदरसा झारखंड में चलता है, यूं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे बहुत मदरसे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें झारखंड से मौलाना तशरीफ लाए, इधर आ जाओ। जामियतुर रशीद इस्लामपुर हजारीबाग, ये हजारीबाग में है, रांची शहर से 200-250 किलोमीटर है। ओ मौलाना तशरीफ लाए, आजकल मदरसों में भी बहुत तकलीफ है इसलिए कि बिजनेस के हालात ठीक नहीं। बेचारे रमजान में एक बार आते थे, अब साल में 2 बार भी आते हैं। और ये लड़कियों का मदरसा है, वहाँ बुखारी शरीफ तक की तालीम है, वो बहुत गरीब इलाका है। आपको सच कहता हूँ, झारखंड बिहार ये जो है बहुत गरीब इलाका। अभी वहाँ सर्दियों में मदरसे के बच्चे हों या गरीब इलाके के लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, तो आप स्वेटर पहुँचाओ, सॉक्स पहुँचाओ, कंबल पहुँचाओ, ये हमारे मरहूमीन को अल्लाह कब्र में राहत देगा। ये नेकियां लूटो, मरहूमीन के लिए करो। मैं खुद भी अपने मरहूमीन के लिए करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमा, और इन मदरसों को और मस्जिद आयशा को भी दिल खोल कर देते जाओ। मौलाना को ये यहाँ जो है अपने स्टेज पर डालते जाओ। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमा। भाई बहुत सारे हजरत को फ़ोन करते हैं, बहुत सी मरतबा मुझे भी फ़ोन करते हैं। अगर आपको बयान सुनना हो, कोई परेशानी हो, तो जो है ये मौलाना वसीम साहब हजरत का नंबर है, उनके पास आप नंबर ले सकते हैं। और हजरत के दीन दुनिया का नंबर जो हजरत देंगे, और उनका ऑफिशियल एक चैनल है मौलाना खलील दीवा करके, तो जो है आप उनको सब्सक्राइब करें और हजरत के बयान को सुने, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अल्लाह तबारक व ताला आपके अंदर जो है एक बेदारी और आपका ईमान बढ़ेगा। और कितने लोग मुझसे भी मांगते हैं, तो मेरा जो एक ऑफिशियल चैनल है अम्मार कड़ी वाला ऑफिशियल, आपको सब्सक्राइब करें
और जो है ये मकसद यही है कि भाई सोशल मीडिया पर गंदगियाँ फैलती है तो हम जो है अच्छाइयाँ फैलाएं, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंशाल्लाह रात को अपनी मस्तूरात के साथ बैठकर जो है दीन की बातें सुने। ये आज के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हजरत मौलाना वसीम साहब एक मिनट पूरी कर ले दो इसको, और हमारे शकील भाई जो ऊन वाले हैं वो, और उनके दोस्त अहबाब, और ये मौलाना, और भी बहुत सारे नौजवानों ने मेहनत की है, सब मिलकर जरा जोर से आमीन को अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। आज हम खुदा जाने कहाँ कहाँ रखड़ते होते इस रात में, अभी 12 बजे कभी भी उधर फड़कने की कोशिश न करें बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और उम्मत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। जो कहना सामेन जो मैं कहने चाह रहा था हजरत ने खुद फरमा दिए। हमारे दोस्त अहबाबों ने इस जलसा के लिए बड़ी मेहनत की है, जिसमें हाजी शकील साहब रहे, हाजी हसन साहब भी रहे, हमारे अजहर भाई माशाल्लाह उन्होंने हमारे परमिशन के लिए बड़ी दौड़ भाग की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे सब बहुत सब अहबाब हैं, उन्होंने बड़ा ताउन किया, जहां जहां जिनको जाने की जरूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वह साथ दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन हजरात की हिफाजत फरमावे और दीनी काम में हौसला और जज्बा के साथ शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन वलआक़िबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन वआलिही वसहबिही अजमईन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, اے اللہ ایک دن موت آنی ہے, ہم کسی قبرستان کا کوشہ کسی قبرستان کا کونا بن جائیں گے, اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما। वाला कब्रिस्तान में कोई भूले से भी आएगा नहीं, कोई रिश्तेदार आएगा तो ईद के दिन आएगा। अल्लाह ये दुनिया बहुत बेवफा है, इससे पहले कि हम कब्र में जाएं हमें अपनी कब्र की पूरी तैयारी करके जाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक आमाल के साथ तंदुरुस्ती के साथ गुनाहों से बचाते हुए परेशानियों से बचाते हुए तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तो खाके ईमान पर फरमा, ए अल्लाह ईमान पर मौत की भीख मांग, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा, हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारे मौलाना वसीम साहब, शकील भाई, हसन भाई और भी जिन जिन नौजवानों ने उलमा ने मेहनत की है, अल्लाह इन्हें दुनिया आखिरत में बेहतर बदला अता फरमा, इनकी रोजी रोटी चल पड़े, अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल कर, इन्हें तंदुरुस्तियां अता फरमा, इनके बदनों से बीमारियों को बाहर फेंक कर इन्हें जाहिर बातिन भी तो बीमारियों से इन्हें मुकम्मल पाक और साफ फरमा। अल्लाह इन्हें ऐसे ही दीन के कामों में जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। मौला कयामत बहुत करीब आ गई और उम्मत गफलत में सो रही है, अल्लाह इस उम्मत को आप ही जगा सकते हैं, अल्लाह उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। धुआं निकल गया जो आपने 25वें पारे में पहली निशानी बतलाई, तीन बड़े जलजले भी हो गए, चार निशानियां हो गई और अब सूरज पश्चिम से निकलने की तैयारी में है और उम्मत गफलत में सो रही है, अल्लाह इस उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे आपने कब्रों में गायब कर दिए, मिट्टी बना दिए, ए अल्लाह इस जमाने में अभी हाल में रमजान के बाद दुबई का बादशाह चला गया, अरबस्तान के 25 बादशाहों का सरदार था, 25,000 अरब डॉलर का मालिक था, अल्लाह बुर्जल खलीफा होटल जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत उसका मालिक था मगर डेढ़ गज जमीन में जाकर सो गया, अल्लाह इनकी मौत से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमा। हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर और यूं कहा जाए कि हुकूमत की चाबियां उनके हाथ में थी, हाजी अहमद पटेल जो कांग्रेस के लीडर थे वो भी चले गए, ए अल्लाह इनकी मौत से उम्मत को सबक लेने की तौफीक अता फरमा। उनके यहाँ अडानी अंबानी लाइन में खड़े रहते थे, राष्ट्रपति लाइन में खड़े रहते थे, वो कब्र में चले गए तो हमारी क्या हैसियत है। ए अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह गुजरात के एक बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर इब्राहिम भेड़िया चले गए, अल्लाह इन सब की मगफिरत फरमा दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, इनकी नेकियों को कबूल फरमा ले, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह कयामत बहुत करीब आ गई और उम्मत सो रही है, उम्मत को मस्जिदों की तरफ
तिलावत की तरफ, तालीम की तरफ, दावत तबलीग की तरफ, उलमा की तरफ इन्हें आने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, दाढ़ी की सुन्नत घर घर जिंदा हो जाए जवानों में, ऐसी तौफीक मरहमत फरमा। माँ बहनों में, बेटियों में पर्दा आ जाए, ए अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। होने वाले इज्तिमाआत को कामयाब फरमा। ए अल्लाह, इस इज्तिमाआत से ज्यादा जमातें निकले तेरी राह में और उम्मत दीन सीखे, ऐसी तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह, इन इज्तिमाआत को बे इंतहा अपने बारगाह में कबूल फरमा। आज का हमारा ये इज्तिमा भी कबूल फरमा, बे इंतहा कबूल फरमा, लोगों की हिदायत का जरिया बना। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने सुना इन्हें दीन की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। इन लोगों ने जो पैसा इस पर खर्च किया है, अल्लाह इन्होंने दुनिया आखिरत में इसका बेहतर बदला अता फरमा। हलाल रोजी खाने की तौफीक अता फरमा, हराम रोजी से बचने की तौफीक, शक वाली रोजी से भी बचने की तौफीक अता फरमा। सूद और ब्याज के कारोबार से उम्मत की हिफाजत फरमा। झूठ, गीबत, तकब्बुर, रियाकारी, जुल्म, हराम कमाई, शक वाली रोजी, जीनाकारी, शराब, जुआ, ए अल्लाह इससे हिफाजत फरमा। खासकर 31 दिसंबर की रात को होने वाले खुराफात और गुनाहों से उम्मत की जवानों की, जवान बेटियों की हिफाजत फरमा। हमारे घरों में झगड़ों से अल्लाह झगड़ों को खत्म फरमा। ए अल्लाह, पूरी तरह झगड़ों को खत्म फरमा और हम सब की मदद नाजिल फरमा। आपने मदद न फरमाई तो ए अल्लाह हमारा कोई बेली नहीं होगा। आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। मरहूमीन में हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमा। हमारे भाई बहन, मामू मामी, चचा चचियाँ, फुफी फुफर, खाला खालू, हमारे असातिज़ा जिनसे हमने सबक पढ़ा है, ए अल्लाह इन सबको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, पिछले रमजान में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, जिस बेवा औरत ने मुझे पाला, ए अल्लाह वालिद का साया 4 बरस की उम्र में चला गया था। उस बेवा औरत ने मेहनत करके दीन पढ़ाया, दुनिया पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाया, ए अल्लाह इस औरत की कब्र पर नूर की बारिश नाजिल फरमा, उनकी मुकम्मल मगफिरत फरमा, उनकी कब्रों को रहमतों, बरकत और मगफिरतों से ढांप ले मौला। ये जितना दीन फैला रहा हूँ आपके फजल से, अल्लाह माँ बाप को इसका हिस्सा, भाई बहनों को इसका हिस्सा अता फरमा। हम सबको अपनी अपनी मौत से पहले तैयारी की तौफीक अता फरमा। जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, बेवा है, तलाक वाली है, उन सब की तकदीरें बुलंद फरमा। जिनको औलाद नहीं, उन्हें नेक साले तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा। हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफैल, प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल कबूल फरमा। ए अल्लाह, शकील बिन हनीफ के फितनों से उम्मत की हिफाजत फरमा, उनके कारकुनों से उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल से कबूल फरमा। ए रहमतिक या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला। ये मस्जिद आयशा वालों को और ये झारखंड के मौलाना को जरा सब मिलकर थोड़ी थोड़ी इमदाद कर।